ॐज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंध छ अध्याय दो श्लोक 43 और हो भी गया है 43 ना, हमको 43 ही कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिना। हित्वा त्याग कर कलेवरम भौतिक शरीर तीर्थ है तीर्थ स्थान में गंगायाम गंगा नदी के तट पर दर्शनात अनु दर्शन करने के बाद सद्य तुरंत स्वरूपम अपना आदि आध्यात्मिक रूप जगृह धारण कर लिया भगवत पार्श्ववर्तिना जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था।
तात्पर्य भगवद गीता 4:9 में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता का फल यह है कि मनुष्य अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तुरंत ही अपने आदि आध्यात्मिक शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बनने के लिए आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं, कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं और कुछ कृष्ण के पार्षद बनने के लिए गोलोक वृंदावन जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अजामिल शरीर त्याग का वर्णन आप लोग सुन रहे हैं। अधिकांश लोग कथा अंश से परिचित हैं। जमराज के दूत और भगवान विष्णु के दूतों के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद को अजामिल ध्यानपूर्वक सुना। जमदूत जमराज जी के पास वापस चले गए। जब उनके बंधन से अजामिल मुक्त हो गया, अब कुछ बोलना चाहता था, तम विभिक्षु अभिप्रेत्य, और भगवान के दूत समझ गए कि अब ये कुछ बोलना चाहते हैं, तो तुरंत वे अंतर्हित हो गए। अब अजामिल बहुत विचार करने लगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए थे, लेकिन वह अंततः निर्णय किया कि कोई हमारा भाग्य होगा कि ऐसे महापुरुष का दर्शन हुआ, और अब मैं फिर इस माया के जंजाल में नहीं फंसूंगा। अब जो हुआ हुआ, अब मैं परिवार इत्यादि में ममता का त्याग करके, शरीर में अहंता का त्याग करके, और मैं अपने मन को भगवान में लगाऊंगा उनके गुण का कीर्तन करते हुए। और ऐसा निर्णय ले करके हरिद्वार में चला गया, और वहाँ वे अपना जीवन भजन में लगा दिए। अब एक मोटा मोटी गणित यह समझिए, ये अजामिल का उम्र 100 साल का था, लेकिन उसके पाप के कारण यमराज के दूत पहले ही आ गए थे, लेकिन जब हिसाब किताब क्लियर हुआ, वे जब भगवान का नाम लिया है तो पाप तो सब खत्म हो गया, तो पाप खत्म हो गया तो उम्र क्यों घटाया जाएगा। जब गणित समझ में आ गया यमराज के दूतों को कि हम लोग तो पहले आ गए, तो वे छोड़ करके चले गए। इनका जो आयु शेष था वो ये भजन में बिताए। ऐसा कहा जाता है कि
88 वर्ष के उम्र में यमदूत आए थे और अभी 12 साल और भजन किए, इसके बाद भगवान के दूत पुनः उपस्थित हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनाद अनु, पहले आप वर्णन सुन चुके हैं कि भजन में रत थे, अपने मन को भगवान में लगाए थे, अहंता ममता का त्याग कर दिए थे और उसी समय वे भगवान के दूतों को देखे, जिनको पहले वे देखे थे और देखते ही पहचान गए बबंदे सिरसा द्विजह, और सबसे पहले उन दूतों को वे प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद की घटना को कह रहे हैं कि हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादन, उनके दर्शन करने के बाद अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहाँ त्याग किए? तीर्थे गंगायाम, और सद्य स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिना, और तुरंत ही पार्षद शरीर प्राप्त कर लिए। और इस श्लोक को आप देखें तो मुख्य रूप से तीन चीज है इसमें दिखाया जा रहा है, तीन सूचना पाप रहे हैं कि वे शरीर का त्याग किए। जो शरीर का त्याग किए और लेकिन कह रहे हैं कि दर्शनात् अनु, पहले शरीर त्याग किए और इसके बाद भगवान के दूत आए, ऐसा नहीं। भगवान के दूत आ गए, उनको प्रणाम किए और उनके दर्शन के बाद इस शरीर का त्याग कर दिए और भगवान के पार्षद के स्वरूप प्राप्त किए। शरीर त्याग करने के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य कह रहे हैं कि हित्वा कलेवरम तीर्थ है गंगाया, अपने शरीर को तीर्थ में छोड़े। और शरीर त्याग का यही नियम है, इसको तीर्थ में त्यागना चाहिए। देखिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि शरीर को तीर्थ में रखना ही चाहिए। आप रखेंगे इस शरीर में तो वहीं छूटेगा, अच्छा कम से कम रखे नहीं तो कम से कम छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें रूप गोस्वामी भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किए हैं, तो उसमें एक अंग है निवासो द्वारका दौर, द्वारका आदि में निवास करना। तो अब आदि की व्याख्या की गई है कि गंगादे सन्निधे रपि, या तो किसी तीर्थ में शरीर को रखना चाहिए, निवास करना चाहिए, और नहीं तो किसी पवित्र सरोवर या नदी के तट पर निवास रखना चाहिए। तो अच्छी बात यही है कि तीर्थ में वास किया जाए, भगवान के धाम में वास किया जाए। ये ध्यान देने की बात है कि जहाँ भगवान का मंदिर है तो यह भी भगवान का धाम ही है, जहाँ भगवान लीला किए हैं तो उस जगह पर आप अपना निवास बनाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। और यदि ऐसा संभव नहीं है और दूसरे शहर में भी हैं तो कम से कम मंदिर के नज़दीक निवास लेना चाहिए। तो अजामिल के विषय में कह रहे हैं कि तीर्थ स्थान में, कुछ लोग तीर्थ की व्याख्या गंगा जी कह रहे हैं। अब दो दृष्टि पहले ही आप सुने हैं कि आसीनो देव सदने,
अजामिल देव सदन में जा कर के बैठ कर के भजन कर रहे थे। तो देव सदन हरिद्वार के लिए भी है, हरिद्वार इसको कहते हैं क्योंकि भारत का जो मूल मंदिर है नर नारायण का, तो उसका यह गेट है, यहीं से हम ऊपर जाते हैं, तो इस दृष्टि से इसको हरिद्वार कहते हैं। या ये गंगा जी का दरवाज़ा है, गंगा जी पर्वत से उतरती हैं तो यहीं से धरती में आती हैं, इसी से इस स्थान का द्वारी दुनद्याम देव नदी का दरवाज़ा भी कहा गया है। या भारत का जो मूल मंदिर है उसका यह दरवाज़ा है, यहीं से बद्रिकाश्रम का सीमा प्रारंभ होता है। और इसलिए यह तीर्थ है, यह गंगा जी सबसे बड़ी तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। और सबसे बड़ा तीर्थ गंगा जी है। गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं और जो व्यक्ति गंगा जी का सेवन करता है तो भगवान के चरण तक पहुंचा देती है। हित्वा कलेवरम तीर्थ गंगायाम दर्शनादन, भगवान के दूतों का दर्शन करके वे गंगा जी के तट पर अपने शरीर का त्याग कर दिया और सद्या स्वरूपम जगृह और तुरंत पार्षद शरीर प्राप्त कर लिए। और साकम विहायसा विप्रो महापुरुष किं करै, भगवान के दूतों के साथ इस सोने के विमान पर बैठ करके और ये जो यत्र फ्रियह प्रति, जहाँ भगवान निवास करते हैं, लक्ष्मीपति जहाँ निवास करते हैं वहाँ चले गए। वो अपने शरीर का त्याग किए। देखिए शरीर त्यागना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। शरीर का तो त्याग होगा ही, लेकिन व्यक्ति को सीखना चाहिए कि कैसे शरीर का त्याग करना है। कुछ लोग संस्था बनाए हैं और सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आर्ट ऑफ डाइंग। कैसे शरीर का त्याग करना है इसको सीखना बहुत जरूरी है। और भगवान गीता में इसका ज्ञान दिए कि कैसे शरीर का त्याग करना चाहिए। शरीर त्याग के विषय में श्रीमद् भागवतम में उक्ति है कि सबसे अच्छा दो स्थिति है, या तो युद्ध में लड़ते हुए शरीर का त्याग कर दिया जाए, या मन को भगवान में लगा करके शरीर का त्याग किया जाए। और इसका भी एक प्रोसेस है, भगवान में मन लगाने के लिए एक स्टेप यह है कि घर से थोड़ा दूर होना चाहिए। और तीर्थ त्याग शरीर त्याग के विषय में हरिद्वार बहुत अच्छा स्थान है। श्रीमद् भागवतम में आप विदुर जी की कथा पढ़ते हैं। विदुर जी पारिवारिक स्थिति से उब करके और घर का त्याग कर दिए, तीर्थ में भ्रमण करने लगे। तीर्थ के भ्रमण के क्रम में ही वे जब इस मथुरा क्षेत्र में आए, यमुना जी के तट पर आए, तो उनकी भेंट उद्धव से हुई। उद्धव जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, उनका आलिंगन किए और उनसे जादुओं के विषय में, कौरवों के विषय में बहुत बहुत प्रश्न करने लगे। उद्धव जी वो भगवान के विरह से व्याकुल हो करके वृंदावन क्षेत्र में आए थे। उद्धव जी बहुत
बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। भगवान अपने मुख से कहे हैं कि बुद्धि में तुम अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं हो। भगवान की जो गतिविधि चल रही थी द्वारका में, तो उससे उद्धव जी समझ गए कि भगवान अब अपने लीला का संवरण करना चाहते हैं। उनके गतिविधि से समझ गए, भगवान कोई उद्धव जी से मंत्रणा नहीं किए, कोई सूचना नहीं दिए, लेकिन जब जादवों का संहार हो गया तो भगवान उद्धव जी समझ गए कि भगवान तो काल रूप से इसका अनुमोदन कर रहे हैं, यदि चाहते तो विष्णुवंशियों के नाश को ये रोक सकते थे, लेकिन रोके नहीं। और भी कई एक चीज से वे समझ गए कि भगवान अब इससे पृथ्वी का त्याग करना चाहते हैं। एक दिन भगवान अकेले में बैठे थे तो उद्धव जी उनके पास पहुंच गए। भगवान बतलाए भी नहीं थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन भगवान के शरीर में इतना दिव्य गंध है कि गंध के आधार पर गंध सूंघते हुए भगवान के पास चले गए और भगवान से कहे कि जैसा मैं लक्षण देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप इस पृथ्वी का त्याग करना चाहते हैं, लीला का संवरण करना चाहते हैं, मैं बहुत विकल हो रहा हूँ। भगवान कहे कि तुम ठीक अनुमान कर रहे हो, अब काल का प्रभाव आ रहा है, कलयुग का प्रभाव आ रहा है, इसे यहाँ अधर्म भर जाएगा और मैं तो इस स्थान का त्याग कर ही रहा हूँ, मैं कहूँगा कि तुम्हारे रहने लायक भी स्थान नहीं है, तुम भी इसका त्याग कर दो। और कहे कि आज के सातवें दिन तो समुद्र में डूब जाएगा यह नगर द्वारका। और इस बात को सुन करके उद्धव जी बहुत विकल होने लगे और कहने लगे कि हमको आप छोड़िए मत, अपने साथ ले चलिए। भगवान कहने लगे नहीं, अभी कुछ कार्य बाकी रह गया, मैं अवतार ग्रहण किया तो कई एक जगह तो मैं खुद भ्रमण किया गया वहाँ, लेकिन कई एक स्थान पर मैं नहीं गया और अभी ज्ञान की जरूरत है। तो तुम बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण हो, बहुत उन्नत हो, तो तुम ज्ञान को धारण करके बद्रिकाश्रम में रहो, बद्रिकाश्रम चले जाओ। और उद्धव जी को समझा करके और भगवान अपने लीला का संवरण किए, लेकिन उद्धव जी बहुत विकल हुए, यद्यपि भगवान उनको ज्ञान दिए थे और उनके विकलता को दूर करने के लिए ही ज्ञान दिए थे। उद्धव जी को कुछ स्थिरता हुई, लेकिन फिर भी भगवान का विरह अनुभव कर रहे थे, बहुत व्याकुल हो रहे थे। तो भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए वृंदावन में आ गए। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि व्यक्ति आज भी भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है, चाहे आँख से देखे या न देखे, जो भी वृंदावन में आता है तो भगवान के सानिध्य का अनुभव जरूर करता है, आँख से देखे या न देखे। और जैसे 5000 वर्ष पहले उद्धव आकर के भगवान के सानिध्य का अनुभव किए, वैसे आज भी हजारों लोग भगवान के सानिध्य का अनुभव कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इससे ब्रजमंडल क्षेत्र में केवल चलना, वांडरिंग, कोई घूम रहा, इसका अर्थ है कि भगवान धाम का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, या घूमने का अर्थ है, या निवास का अर्थ है कि भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और उद्धव जी इस ब्रज क्षेत्र में थे और तब तक यात्रा करते करते विदुर जी यहाँ पहुँच गए। उद्धव जी को देख करके उन्हें प्रसन्नता हुई, आलिंगन किए और एक एक व्यक्ति के विषय में, स्वजनों के विषय में प्रश्न करने लगे।
सबसे पहले तो कृष्ण बलराम के ही विषय में प्रश्न किए कि वे सुरसेन गे है, वे द्वारका में सुखपूर्वक हैं ना, कुशल पूर्वक हैं ना। अब तो कई एक प्रश्न किए जा रहे हैं। अब ये सब बात सुन करके तो उद्धव जी का भाव और जागृत हो गया और प्रेम का बाढ़ आ गया। कुछ देर तक तो वे शरीर से बाहर हो गए, वे भगवत धाम में चले गए। धीरे धीरे वे वापस आए और एक एक घटना को बतलाने लगे कि हम कुशल क्या बतलाएं। अब तो कृष्ण बलराम तो दृष्टि से ओझल हो गए हैं, उन्हीं के विरह का अनुभव करके तो मैं यहाँ आया हूँ। हमको यद्यपि वे ज्ञान दिए हैं, विश्रमयन उवाच, मैं इतना कातर हो रहा था कि हमको शांत करते हुए ज्ञान दिए। अब ज्ञान देने की बात सुने तो उद्धव जी विदुर जी कहने लगे कि जो ज्ञान भगवान आपको दिए हैं तो यदि आप अन्यथा न माने तो उस ज्ञान को हमको भी प्रदान कीजिए। जब ऐसे प्रार्थना किए तो उद्धव जी कहे कि भगवान आदेश दिए हैं मैत्रेय जी को उस ज्ञान को आपको प्रदान करने के लिए। तो ननुते तत्व संराध्य, यदि आप उससे आत्म तत्व का ज्ञान चाहते हैं तो आपको मैत्रेय ऋषि के पास जाना चाहिए। और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए, द्वारी दुनद्या ऋषभ करुणा, वो हरिद्वार में गए, वहाँ देखे मैत्रेय ऋषि निश्चिंत बैठे हैं। वहाँ जाकर के विदुर जी बहुत बहुत प्रश्न किए मैत्रेय ऋषि से, लेकिन सुत गोस्वामी कह रहे हैं जावतः कृतवान प्रश्नन छत्ता कौसार वाग्रतः। विदुर जी प्रश्न तो बहुत किए लेकिन एक दो प्रश्न का उत्तर सुने और जातैक भक्ति गोविंद तेभ्यष्ट पर राम, और इनकी भक्ति इतनी जागृत हुई कि अब शेष प्रश्न के उत्तर सुनने के आग्रह नहीं किए और भक्ति बढ़ी और प्रश्न के उत्तर से उपरत हो गए। लेकिन वहाँ से हरिद्वार से वे हस्तिनापुर आए, बंधु श्रेयस्कृत, अपने भाई का कल्याण करना चाहते थे, धृतराष्ट्र का कल्याण करना चाहते थे। वो वहाँ से हरिद्वार से हस्तिनापुर आए। अब हस्तिनापुर आए तो सब लोग प्रसन्न हो गए, बहुत दिन के बाद लौटे हैं, उनका बहुत सत्कार किया गया, देववत सुखम, उनको बहुत सुविधा प्रदान की गई। लेकिन विदुर जी तो कोई सुविधा के लिए हस्तिनापुर नहीं आए थे, बंधु श्रेयस्कृत, उनका एक मिशन था, एक उद्देश्य था, अपने भाई का कल्याण करना। हस्तिनापुर में रहते हुए वे धृतराष्ट्र को उपदेश देने लगे और स्पष्ट उपदेश दिए कि राजन निर्गम्यताम आसु, अब जल्दी घर से निकल जाइए, पश्येतम भयमागतम, ये देखिए मृत्यु निकट है। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि देखिए दो स्थिति है, तो एक का चांस तो आप खो दिए, अच्छा यह है कि व्यक्ति को नरोत्तम होना चाहिए। तो कह रहे हैं यह स्वकात पर तो वे जात निर्वेद आत्मवान हृदय कित्वा हरिम गेहात प्रव्रजित स नरोत्तम, कह रहे हैं कि अपने से वैराग्य हो जाए, अपने से भावना, ये दूसरे के सुनने से दूसरे के द्वारा जगा दिया जाए। यह स्वकात परतो वे, ये विवेक अपने से आ जाए या दूसरे के संपर्क से आवे, और व्यक्ति यह निर्णय करता है या क्रिया करता है कि हृदय कृत्वा हरिम गेहा प्रव्रजित सनरोत्तम, भगवान को हृदय में बसा करके, हृदय में धारण करके और घर से निकल जाता है, तो वह
वो सबसे श्रेष्ठ है, नरोत्तम, वह मनुष्य में उत्तम है। प्रव्रजित, वो संन्यास ग्रहण कर लिया। लेकिन उद्धव जी नहीं, विदुर जी कह रहे हैं कि यह अवसर आप खो दिए, अब यह नहीं बचा आपके लिए, एक विकल्प यह है, तो कम से कम उसको अंगीकार किए। तो ये कह रहे हैं कि गत स्वार्थ मिमम देहम, अब इस शरीर का प्रयोजन कुछ बाकी नहीं है, या साध नहीं सका, कुछ न जस कमा सका, न कुछ सत्कर्म कर सका, और इस स्थिति में अविज्ञात गतिर जहियात सवै धीर उदाहृत, कम से कम इतना करे कि अविज्ञात गतिर कहाँ वो है, अपने परिवार के लोगों से अलग हो करके और शरीर का त्याग कर दे, परिवार के लोगों को पता न चले कि कहाँ शरीर त्याग किया, तो उस व्यक्ति को धीर कहा जाता है। वो तो कम से कम आप घर से निकल जाइए और हरिद्वार में जा कर के भजन कीजिए और अपने शरीर का त्याग कीजिए। और कई एक ढंग से विदुर जी समझाने का प्रयास किए, ये कहने लगे क्या आप यहाँ पड़े हुए हैं, आप लज्जा अनुभव नहीं करते हैं? अरे जिस व्यक्ति को मारने के लिए आप क्या क्या उपाय किए, विष दिए, आग लगाए, और उसी व्यक्ति के हाथ का टुकड़ा खाते हैं, आपको लज्जा भी नहीं लगती है? अरे यह रहने लायक स्थान नहीं है, मृत्यु निकट है, आप जल्दी से निकल जाइए, और किसी उपाय से बच नहीं सकते। और जब इस प्रकार उपदेश दिए तो संदर्शित अध्वा, वे अर्धरात्रि को विदुर जी यानी धृतराष्ट्र घर से निकल गए और वे हरिद्वार में गए। अब विदुर जी के लिए कह रहे हैं कि संदर्शिताध्वा, विदुर जी उनको मार्ग बतलाए, तो मार्ग बतलाए और मोक्ष का मार्ग बतलाए और वन का भी मार्ग बतलाए, या बंधन बंध मोक्ष यो, और बंधन कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, ये दोनों का रास्ता बतलाए, या बंध वन मोक्ष यो, वे मुक्ति का रास्ता भी बतलाए और हरिद्वार का रास्ता भी बतलाए। संदर्शिताध्वा, रास्ता वे बतलाए। कुछ लोग कहते हैं कि वो रास्ता क्या बतलाए, वे अंधे थे, बतलाने से वे कैसे चले जाते, तो वे खुद ही हाथ पकड़ करके उनको लाए। धृतराष्ट्र इतने आसक्त व्यक्ति थे, लेकिन कुछ दिन हरिद्वार में रह करके गंगा जी के तट पर और ऐसी साधना किए कि उनके खूब सुंदर मृत्यु हुई। युधिष्ठिर महाराज बहुत विकल हो रहे थे कि अंधे हैं हमारे ताऊ, कहाँ गए, कैसे रहेंगे। युधिष्ठिर महाराज कहे कि ना तुम चिंता मत करो, वे बहुत सुंदर स्थिति में, उनको किसी की चिंता नहीं है, वे प्रकृति के गुण से या इस समाज के तरंग से बिल्कुल अप्रभावित हैं। स्थाणु लिव, जैसे कोई वृक्ष है तो हवा चलता है तो वृक्ष का पत्ता डोलता है, डाल डोलता है, लेकिन केवल तन्ना रहे तो आंधी आने पर भी उसमें कोई प्रभाव नहीं आता है। वो तो कह रहे हैं कि वैसे भगवान में मन लगाए हैं और ये सामाजिक गतिविधि से एकदम अप्रभावित हैं, तो तुम वहाँ जा कर के विघ्न मत डालो युधिष्ठिर। और एक बात और कहे युधिष्ठिर महाराज से कि और तुम जा करके उनका दर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के सातवें दिन वे शरीर का त्याग कर देंगे। और युधिष्ठिर महाराज कह सकते थे कि अच्छा दर्शन हो या न हो, दाह संस्कार करने के लिए तो जाना तब तो और जरूरी है, कहे कि ना उसकी भी जरूरत नहीं है। वे ऐसी योग की साधना कर रहे हैं कि स्वतः ही उनके शरीर में योगाग्नि उत्पन्न हो जाएगी और शरीर का दाह हो जाएगा। तब विदुर जी
और है कि फिर भी गंधारी के लिए हमको जाना चाहिए, कहें कि ना उनके शरीर के आग से ही उनके कुटिया में भी आग लग जाएगी और गंधारी भी उसमें सती हो जाएगी। तो हम यह कह रहे हैं कि हरिद्वार बहुत पवित्र जगह है, वहाँ ऋषि लोग निवास करते हैं और ऋषियों को सुविधा देने के लिए गंगा जी सात धारा में बंट गई हैं, सप्तर्षि घाट कहते हैं। तो उसी स्थान पर जा करके देह त्याग किए थे धृतराष्ट्र। यहाँ अजामिल के विषय में भी कहा जा रहा है कि हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादम, गंगा जी के तट पर अपने शरीर का त्याग किए। वो हम यह कह रहे थे कि शरीर के त्याग करना सीखना चाहिए। प्रथम बात तो यह है कि घर में शरीर का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, देहांत के समय घर में नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में जट भरत जी के प्रसंग में ये बात आई है कि जट भरत जी के सिखाने पढ़ाने में उनके पिताजी इतने अभिनिविष्ट हो गए कि गृह एवं उपरत, वे घर में ही शरीर त्याग कर दिए। तो यह एक बहुत भारी घटना माना जा रहा है कि घर में ही शरीर त्याग कर दिए, ये बहुत निम्न स्तर है। अब इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भाई कोई कोई क्रिया है कि उसके लिए जगह निर्धारित किया गया है, जैसे शौच होना है, पेशाब करना है तो एक स्थान निर्धारित है, टॉयलेट में किया जाता है। अब कोई धोती में ही शौच कर दे उसको बहुत बुरा माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा, या जहाँ निवास कर रहा है वहीं शौच कर दे तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उसी प्रकार देह त्याग के विषय में यही स्टैंडर्ड है कि किसी तीर्थ में शरीर का त्याग करना चाहिए। अब घर में शरीर का त्याग करना वैसे जुगुप्सित माना जाता है जैसे अब लैट्रिन में शौच न होकर के कहीं दूसरे जगह ही कर दीजिए। आश्चर्य से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गृह व उपार तो घर में ही मर गए, इतने असक्त में थे। और हरिद्वार अजामिल के विषय में ये कहा जा रहा है कि उसको विवेक जगा, अपने गृह परिवार का त्याग करके हरिद्वार में गया और भगवान में मन लगा करके गंगा जी के तट पर अपना शरीर त्याग किया और उसका परिणाम हुआ कि सद्य स्वरूपम जगृह है, वो बहुत ही शीघ्र अपने स्वरूप को प्राप्त कर गए, भगवान के पार्षद। श्रील प्रभुपाद जी अरे कि जीवन की यही सफलता है, यथा शीघ्र भगवान के स्वरूप, भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर लिया जाए। और कुछ लोग वैकुंठ में जाते हैं और कुछ लोग वृंदावन में जाते हैं। तो जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं तो यहाँ निवास करेंगे तो इसी का परिणाम होगा कि वे नित अस्थाई रूप से वृंदावन के निवासी हो जाएंगे। और कदाचित शरीर यहाँ छूटता है तब तो एकदम निश्चय ही उनको वृंदावन धाम प्राप्त होना है। तो एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग वृंदावन में मरना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है वृंदावन में मरना, जो वृंदावन में देह त्याग करेगा तो निश्चित रूप से उसको भगवान की सेवा प्राप्त हो जाएगी, भगवान का परिकर का लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन मरने से भी अधिक महत्वपूर्ण है वृंदावन रहना। और किसी किसी के मन में यह संशय होता है कि यदि हम वृंदावन निवास कर रहे हैं और मृत्यु वृंदावन में न हो तो, अरे वे वृंदावन में निवास करेंगे तो मृत्यु क्यों नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि कदाचित किसी स्थिति में वृंदावन से बाहर हैं और उसी समय मृत्यु हो जाए तो कोई निराशा की बात नहीं है, ये संसारिक चीज़ नहीं है, भक्ति है,
भक्ति का सिद्धांत है कि इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता है या फल का नाश नहीं होता है। यदि वास्तव में कोई निष्ठापूर्वक वृंदावन वास कर रहा है, किसी कारणवश किसी विषम परिस्थिति में उसको ब्रज से बाहर भी शरीर त्याग करना पड़ा, तो वृंदावन खुद उसके यहाँ पहुँच जाएगा। इसी से वृंदावन का आश्रय रखना चाहिए। हरे कृष्ण।